धारा 370 पर परिचर्चा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने मोदी सरकार के कार्यों और धारा 370 को हटाने के फायदों के बारे में बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छिंदवाड़ा में धारा 370 पर परिचर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने धारा 370 को लेकर फैली गलत धारणाओं और भ्रम को लेकर अपनी बात रखी। मंत्री ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसान कर्ज माफी के वादे को लेकर भी कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। मंत्री बोले कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, अगर नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष ही बदल गया। किसान का कर्जा माफी कर दिया जाएगा 10 दिन में, और यदि नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। खुद राहुल गांधी बदल गया, हमारे पता नहीं राहुल गांधी बदल गया, कमलनाथ जी अभी तक कर्जा माफी नहीं हुआ। और ये भी क्या था बेजोड़ मीडिया से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत निरंतर तरक्की कर रहा है। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। वहीं कोल इंडिया को FDI में सम्मिलित करने को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बहुत ही काम इसके लिए इकोनॉमी बढ़ाने के लिए किया है, और जो GDP है एवरेज GDP हमारा 7% है, लास्ट क्वार्टर छोड़ के 7%, 6.5%, 7.5%, 8% तक भी गए हैं। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज एवरेज 7%। आज के दिन में भी भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में, और इसलिए भारत के सम्मान सारे दुनिया में हो रहे थे, इसी कारण के हो रहा है, और बहुत अच्छी ढंग से इन्वेस्टमेंट में भी आ रहा है। और ये जो एक अप्रिय बीच बीच में कभी कभी एक क्वार्टर में ऐसा हुआ है, लेकिन हमने बहुत इसके लिए हमारा जो वित्त मंत्री है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत उन्होंने कदम उठाया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के कई भाजपा नेता शामिल हुए। कुल मिलाकर धारा 370 को लेकर हुई परिचर्चा मोदी सरकार की उपलब्धियों में बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, छिंदवाड़ा।